हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर रोब्स। मैं गौसिया अरशद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर प्लाजो सूट, लेकिन वो सिंपल कॉटन के कंफर्टेबल कपड़े को किस तरीके से स्टाइलिश बनाते, इस बारे में। हमें पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताई, पर वो अलग डिज़ाइन था और अलग स्टाइल था और वो ड्रेस भी अलग थी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी वाइट कपड़े में है, कॉटन है और बहुत ही आरामदेह कपड़ा है। किसी भी ड्रेस को तैयार करने के लिए मेन उसका कुर्ती होता है, और कुर्ती में दो तीन पार्ट मेन होते हैं जिसके डेकोरेशन से कुर्ती पे और सूट पे एक अलग लुक आता है और स्टाइलिश लगती है। जैसे कि कुर्ती का नेक, सबसे मेन पार्ट हुआ नेक, स्लीव्स और दामन। तो दामन के में अलग स्टाइल होता है, होता तो एक ही सेट पे है लेकिन उसका पैटर्न कुछ अलग होता है। और स्लिप्स भी, आप कहाँ तक स्लिप्स रखना है, किस तरह के स्लिप्स रखना है, उस पर डिज़ाइनिंग किस तरह की करना है, वो उस पर मैटर करता है। कलर कम्बिनेशन मैटर करता है, उस पर किस चीज़ का आप वर्क कर रहे हैं, कैसा स्टाइल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और मैच करेंगे तो वो कुर्ती बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश बनेगी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वाइट पे ब्लू कलर से मैं कलर मैचिंग की हूँ, दो कलर को पेयर अप करके उस पर मैं गोटा वर्क की हूँ, लेकिन गोटा वर्क में मैं पर्ल वर्क की हूँ। पर्ल में मैं बड़ी मोती, छोटी मोती और गोटा वर्क और उसमें ट्रायंगल वर्क, ये सब मिला के मैं और उसमें बुकरम, इससे मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिज़ाइनिंग कुर्ती। नेक के लिए मैं 10 इंचेस चौड़ाई लूंगी। और 16 इंचेस लंबाई लूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 10 इंचेस चौड़ा है ड्राफ्टिंग में और ये 16 इंचेस लंबा है। ये इसकी चौड़ाई 10 इंचेस है और इसकी ये लंबाई 16 इंचेस है। 16 इंचेस है। अब मैं इसमें एक गोटा पट्टी वाला लेस डिज़ाइन बनाऊंगी। मैं बताती हूँ कि मैं उसको कैसे तैयार करूँगी। मैं इसमें पूरे 16 इंचेस के लिए मैं 2-2 इंचेस पे इसमें मार्क लगाऊंगी, 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे 10 12 और ये 14। इसी तरीके से मैं इधर भी लगाऊंगी 2-2 इंचेस पे। और 2-2 इंचेस पे मैं इधर भी लगाऊंगी। अब मैं इसे किस तरीके से मिलाऊंगी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसे इससे और ये आप 2 इंचेस पे लगाएंगे मार्क तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें ज़रा से कोई भी बॉक्स छोटा बड़ा नहीं बनेगा। आप इसे स्केल की मदद से भी कर सकते हैं या और भी किसी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, जो भी स्ट्रेट हो।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे बॉक्सेस तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको कपड़े पे आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े पे मैं कैसे सेट करूंगी। अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ। अब इसके जगह पे मैं एक ब्लू कलर के कपड़े ली हूँ। इससे मैं ये 10 इंचेस चौड़े और 16 इंचेस लंबे में एक पीसेस कट कर लूँगी। ये 10 इंचेस होगा तो मैं यहाँ से ये 10 इंचेस लूँगी। ये 10 इंचेस चौड़े हो गए और ये 16 इंचेस मैं लंबा लूँगी और मैं इसे यहाँ से कट करके एक पीस निकाल लूँगी। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का ये मैं 10 इंचेस चौड़ा और 16 इंचेस लंबा ये मैं बुकरम इसके ऊपर पेस्ट कर दी। ये हो गया। ये आप ये देख लीजिए कि ये मैंने पेस्टिंग कर ली। अब मैं इस पर 2-2 इंचेस पे इसको उस साइड से कपड़े के साइड से मैं चेंज करके 2-2 इंचेस पे मैं इस पर उसी तरीके से मार्क लगाऊंगी, उधर भी इधर भी और फोर साइड इधर भी। अब मैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में दिखाई मैं इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। ये बॉक्सेस बनाऊंगी मैं और फिर मैं उस पर इस साइड से मैं बॉक्सेस बनाऊंगी उधर से, क्योंकि मैं कैमरे में सब कुछ नहीं, मैं फिक्स करके इसे पिन से फिर मैं इसके बॉक्स की उधर कपड़े पे लाइनिंग ये ड्राफ्टिंग करूंगी इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं मैं इस पर ये ड्राफ्टिंग करके मैंने ये इस पर एक एक करके लेस बिठाई हूँ। ये तो मैं आपको नेक की पूरी ड्राफ्टिंग की और इस पर मैं इस ये बना के लेस लगा के मैं आपको दिखाई हूँ। अब मैं आपको स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ। इसमें मैं 2-2 इंचेस ली थी क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, इसमें ज़्यादा चौड़ा चौड़ा बॉक्स बनाई हूँ, इसलिए मैं इसमें 2-2 इंचेस ली थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉक्स बिल्कुल इक्वल आए हैं, लेकिन स्लीव्स में पतली होगी पट्टी और लंबी होगी, इसलिए मैं 1.5 इंच करके ली हूँ। आप ये देख सकते हैं, इसलिए मैं 1.5 इंच की ड्राफ्टिंग करके आपको बता रही हूँ। इसकी छोटी छोटी ड्राफ्टिंग आएगी। अगर आप और इससे पतला लीजिएगा तो आप 1-1 इंच पे आप ड्राफ्टिंग कीजिएगा, तब जाके आपका बॉक्स बिल्कुल इक्वल और सही आएगा। अब इधर से भी मैं 1.5 ली हूँ, तो मैं इधर से भी करूँगी तो ये बॉक्स बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। आपको दोनों तरफ से इक्वल इंचेस लेनी है। ये इक्वल आ गया। अब मैं स्लीव्स के लिए ये मैंने कपड़े कट करके रखी हूँ और उस पर मैं ये बुकरम रखूँगी। अब मैं इस बुकरम को इस पर पेस्ट कर लूँगी आयरन से। पेस्ट करके ये बिल्कुल इस तरीके की पेस्टिंग हो जाएगी, तब ये टाइट हो जाएगा, इस पर बॉक्स बनाने में ड्राफ्टिंग करने में आसानी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे चिपका के। अब ये मैंने इस पर पेस्टिंग कर दी है। ये और मैं इस पर भी आप देख सकते हैं मैं 1.5 इंच की मार्किंग की हूँ। इससे मैं इसी तरीके से ये बॉक्सेस बनाऊँगी। अब बॉक्स बना के मैं इस पर चारों तरफ से इसे फोल्ड करके मैं किस तरीके से इस पर किनारी वाली लेस लगाऊंगी और किस तरीके से अटैच करूंगी वो मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी। ये लेस की स्टिचिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं इस पर लगा रही हूँ। ये पतली वाली है, सिर्फ बीचों बीच एक ही सिलाई इसकी होती है। कट करूंगी, पहले मैं एक सिंगल लगाई हूँ इस तरफ से ड्राफ्टिंग करके, अब मैं इस तरफ से लगा रही हूँ।
अब इस तरफ से कर रही हूँ। एक तरफ से ये एक लाइनिंग, अब इधर से दूसरी लाइनिंग चला रही हूँ। कट करके, और आपको साइड में देखना भी है कि बॉक्स की लेंथ सही आ रही है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी किनारी मैं किस तरीके से बनाऊंगी, और किनारी वाली में मैं ये किनारी वाली लेस लगा रही हूँ ट्रायंगल वाली। तब मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरीके से मैं ज्वाइंट करूँगी या कैसे पलटूंगी। ये मैं इसके साइड साइड पर रख के इस तरीके से करूँगी पहले। ये साइड पर रख के मैं लगा रही हूँ, और मैं दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे पलटूंगी। इस तरीके से मैं चारों तरफ लगा लूंगी। तो ये मैं चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किनारी वाली लेस मैं चारों तरफ लगा दी ये पूरी। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं पलट के इसको कैसे सीधा करूँगी। एक मिनट, मैं सुई में धागा डाल दूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैं इस तरीके से पलटी, ये इस तरीके से। अब मैं इस पर एक सिलाई चलाऊँगी। ये इस तरीके से मैं फोल्ड की, और सिर्फ किनारी इसकी बाहर निकालनी है जो ट्रायंगल है। ये इस तरीके से ये ट्रायंगल बाहर निकल गए। इस तरीके से मैं सारी कर लूँगी। अब रुक दो, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्लिप्स मैंने पहले से कट कर लिए। कट करके मैं ये रखी हुई हूँ स्लिप्स। अब मैं स्लिप्स में इसको कैसे जोड़ूंगी वो मैं दिखा रही हूँ। ये स्लिप्स है पूरी, तो मैंने इसका कोर नहीं बनाया। मैं इसके कोर को इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और नेल्स से इसे दबा दूँगी, और इसके ऊपर मैं बीचों बीच एक निशान लगाई हूँ। उसमें बीच का सेंटर लगा के मैं ये किनारी बाहर रखूँगी, बाकी मैं ये कर लूँगी। अब मैं इसे पिन से सेट कर लूँगी। ये जो मुड़ा हुआ फोल्ड है आप ये देख सकते हैं, और ये इसके जो बीच वाली निशान है मैं इस दोनों को पिन से सेट करके इसे रख रही हूँ। आप चाहें तो आप पूरी स्लिप्स को भी सेट करके रख सकते हैं, या फिर आप करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए मैं इसकी किनारी बाहर निकाल दी। आप ये देख सकते हैं ये किनारी, ये मैं पूरी इसमें लगा दी। इसमें ये कितनी फिनिशिंग आएगी, और किनारी अंदर चली गई। इसे इस तरीके से रख के धागे पे भी ध्यान देना है कि दूसरे कलर के धागे से नहीं हो। अब मैं ये सेट हो गया यहाँ, तो मैं ये पिन निकाल ली। पिन निकाल के अब मैं इसे देख के देखती जाऊँगी, और मैं इसे स्लीव्स पे इस तरीके से यूँ इसकी पूरी ट्रायंगल बाहर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साइड में किनारे किनारे ये लग गई है बैक में, और ये इसकी फिनिशिंग आ रही है। अब मैं इसको फिनिश करके अभी आपको दिखाऊंगी। ये आप फिर ये देख लीजिए, इसकी ट्रायंगल पूरी बाहर आनी चाहिए, और ये स्लीव्स भी।
अभी आप देखिए मैं दिखा रही हूँ। मैं इसको कट करके निकाल ली। ये मैं स्लीव्स के कोर में पहले इसे ज्वाइन की। आप ये देख सकते हैं कि ये बैक में भी कितनी फिनिशिंग आई है, और ये सिर्फ किनारी बाहर रहेगी, और ये फ्रंट से भी कितनी फिनिश हुई है। अब इसे सेंटर में, इसे इस तरीके से, इसकी जो भी सेंटर है ये स्लीव्स का और इसका, आप इसे पिन से यहाँ पे सेट करेंगे, यूं। और यूं सेट करने के बाद आप इसे सही से खींच के ऐसे फिनिश करके, फिनिशिंग से आप इसे इस तरीके से बिठा दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी फिनिशिंग से, देखिए ये लग गई, ये इधर से भी दोनों तरफ फिनिशिंग है, और ये इधर से भी दोनों तरफ फिनिशिंग है। ये बैक है और ये स्लीव्स का फ्रंट है। अब जब मैं इसे बंद करूँगी तो मैं इस तरीके से अंदर की तरफ ज्वाइन करूँगी, और इसमें कितनी फिनिशिंग है। अब जब मैं इसका आगे का काम करूँगी तो मैं आगे बताऊँगी, इसमें मैं मोतियाँ लगा के बताऊँगी आपको। जैसा मैं आपको दिखाई थी कि ये नेक का ये मैं ड्राफ्टिंग की, उसके बाद ये लेस बिठा के इसको मैं ये बॉक्सेस तैयार कर ली हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोर लगाना तो मैं पहले भी दिखाई हूँ, लेकिन इसके कॉर्नर बनाना, और मेन बात है कि मैं इसके फोर साइड में तीन साइड लेस लगाऊंगी और वन साइड इसकी लेस नहीं लगाऊंगी ये कोर, क्योंकि उस साइड में मैं नेक बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। एक सेकंड, धागा निकल गया। धागा डालते हुए दिखा दिया करो, एक सेकंड में धागा डाल दूं। मैं इसी तरीके से इसको लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये साइड से हटा के लगाना होगा, क्योंकि फोल्ड करने में ये सही फोल्ड हो। ये यहाँ तक आके अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। ये यहाँ पे इस तरीके से एक ये डबल फोल्ड होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुआ, अब इसे जब ये इस तरीके से फोल्ड होगा और ये यू फोल्ड होके निकलेगा, तो इसलिए इसके मैं इसको यूं करके इसके कॉर्नर में बिठाना होगा, फिर इसे इस तरीके से, इसलिए इसको आप यहाँ पे इस वाली पत्ती को उठा के इसको यहाँ पे लगाना होगा ताकि वो कॉर्नर में आ जाए। आपको दिखा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको फोल्ड करके मैं कॉर्नर में कैसे वो लेस निकलेगी
किस तरीके से कॉर्नर बनेगा कोना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि कोने पे बिल्कुल सफाई से कोना बनना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये मैंने वहाँ पे डबल पट इसकी ये पट्टी ली थी, ये जो ट्रायंगल है ये डबल ली थी। अब मैंने इसको इधर से भी फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया, ये कॉर्नर बन गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक कॉर्नर और दिखा देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए अब मैं इसको रोक के आपको फोल्ड करना दिखा रही हूँ। ये यहाँ तक मैंने इसे लेके आई हूँ, मैं यहाँ तक फोल्ड करके। अब ये कॉर्नर बनाने के लिए मैं इधर की तो लाइन फोल्ड कर दी, अब मैं इधर की लाइन फोल्ड करूँगी। अब ये दोनों फोल्ड करने के बाद ये कॉर्नर यूँ बन गया। ये कॉर्नर यूँ बन गया। अब कॉर्नर पे मैं नेक लगा के आपको दिखाऊंगी। और मैं ये पूरी कमीज़ मैं पहले से कट करके दिखा ली रख ली हूँ, और मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाई हूँ इसकी कटिंग पूरी। तो ये मैं पहले से कट करके मैं ये रखी हूँ कमीज़, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुर्ती की कटिंग मैंने पूरी कर ली है, और ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और ये कुर्ती का बैक पार्ट है। तो अब मैं इसमें से फ्रंट वाला पार्ट निकाल लूँगी। ये हो गया ये फ्रंट वाला पार्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस पे कैसे सेट करूंगी। मैं पहले ही आपको बोली कि मैं तीन साइड लेस लगाऊंगी, ये किनारी बनाऊंगी और एक साइड नहीं बनाऊंगी। अब इसे मैं बराबर से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करके आप इसे बराबर से सेंटर में निशान लगा लिए। अब आप सेंटर में इस तरीके से मैं ये पैच आपको दिखाई, मैं इसमें कमीज़ में पेस्ट करके मैं इसमें राउंड नेक कट कर ली हूँ। राउंड नेक कट करके मैं इसे कैसे बनाऊंगी, मैं इसमें ये एक ओरेप की पट्टी काट के मैं इसमें नेक में ये लगा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे पलट दूँगी। और ये आप चाहिए तो इसे पाइपिंग की तरह भी पलट के लगा सकते हैं या पूरा भी अंदर कर सकते हैं। नेक के साइड साइड ये और ये आपकी पट्टी लगेगी। धीरे धीरे लेना है और ये पीछे से पलट के देखना भी है कि इसमें पीछे कपड़ा तो छूटा नहीं है, इसलिए ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये फिर पलटने में ये परेशानी होगी। रुको, नहीं नहीं ये धीरे धीरे पट्टी को और आपकी पट्टी को ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है क्योंकि ये पलटने में फिर प्रॉब्लम करेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड साइड में
कहीं पे अगर आपको लगता है कि ऐसे इसमें चूना ये झोल झोल आ रहा है, तो इसमें आप इस तरीके से एक प्लेट देके इसे गोलाई दे सकते हैं। देख सकते हैं कि ये मैंने पूरी पट्टी इसमें रेप की लगा ली। अब मैं इसे इस तरीके से पलटूंगी। ऐसे आप चाहिए तो इसे इस तरीके से पाइपिंग भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लू रखना चाहते हैं तो आप इसे पूरा अंदर कर दीजिए। ये भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि इसे पलटने से पहले इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगेंगे। इसमें पलटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से पूरे में अब मैं आपको बीट्स लगाने के दो तरीके बताऊंगी। दो तरीके में एक तरीका तो ये हुआ कि आप इस पे ग्लू निकाल ली, ये सेंटर में, और इस पे बीट्स को इस तरीके से उठा के ये, और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से मैं ये बीट्स निकाली, इसमें भी गम होते हैं, आप यूँ भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये बाद में उखड़ जाता है, इसलिए इस पर भी आप ग्लू लगा के ये, जिसके पास ट्वीज़र नहीं होगी उनके लिए ये। और इसे कुछ देर हवा में छोड़ना पड़ता है लगा के। अगर आपका ग्लू ज़्यादा लग गया तो आप उसे साइड से उठा सकते हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से मैं पूरे में लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जैसे आपको दिखाई एक दो ये लगाई थी, उस तरीके से मैंने इसमें ये पूरी बीट्स लगा ली। बीट्स लगाने के बाद ये आप देखिए कि ये फैब्रिक ग्लू से आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से इसकी मैचिंग की मैंने स्लीव्स बनाई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्लीव्स बनाई है, पर स्लीव्स में सब में अलग अलग कुछ अलग अलग वर्क है। डिज़ाइन तो यही है, काम यही है, लेकिन इसमें बीट्स, जब ये छोटा बॉक्स बनेगा तो इसमें बीट्स छोटी लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी बीट्स है, इसमें छोटी बीट्स है। अगर इसमें बड़ी बीट्स लगाऊंगी तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, इसमें छोटी बीट्स लगाऊंगी तो ये नहीं अच्छा लगेगा। तो ये बॉक्स के हिसाब से ये बीट्स लगाई हूँ, और ये अंदर से बीच से ये बंद हो गया है। अब मैं आपको दामन दिखाती हूँ, फिर तीनों को एक साथ दिखाती हूँ। अब मैं आपको दामन दिखा रही हूँ, इसमें फ्रंट के कुर्ती के फ्रंट पे उस पे दामन में जो मैंने ये बनाई है, वो बॉर्डर बनाई है। बॉर्डर बना के ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये इस तरीके से मैंने इसमें अटैच किया, और इसके साइड में ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में मैंने ये किनारी भी लगाई है, और ये किनारी में फिनिशिंग आनी चाहिए, किनारी नीचे लगाने से गड़ती है। तो ये मैं इसके और इस बॉर्डर के बीच में ये किनारी अलग से सेट की हूँ। इसी तरीके से मैंने इधर भी ये किनारी सेट की, और आप देख सकते हैं किसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, ये कितना खूबसूरत दामन लग रहा है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं कभी भी नया कोई भी वीडियो डालूंगी तो वो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।